Hello students, in previous video I had explained you, we had finished about the water cycle. Now दो main water जो हमने rain के बारे में discuss किया उसके दो या तीन issue हैं जो हम discuss करने जा रहे हैं अभी next इस video में. Number one कि अगर rain heavily हो रही है, बहुत ज़्यादा अगर rain हो रही है, उस case में क्या loss है. And on other hand we will study अगर वो rain है वो बिल्कुल ही नहीं हो रही है, if it does not rain for a long period, बहुत लंबे time तक रेन हो ही नहीं, ठीक है. तो दोनों ही केस में यहाँ पर जो वाटर साइकिल है उससे क्या क्या लॉस हो रहे हैं वाटर साइकिल में, वो हम इसमें स्टडी करेंगे, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर रेन बहुत ज़्यादा हैवीली रेन होती है तो क्या होगा भाई, फ्लड आ जाएगा. एंड फ्लड आने से क्या होगा, बहुत ही सिंपल चीज़, यहाँ देखिए फ्लड आ रहा है तो फ्लड से क्या है, कुछ एक जो यहाँ के सिटीजन्स हैं, जो पीपल्स हैं, वो अपने अपने रूफ टॉप पर बैठे हैं, ठीक है. कुछ कैटल्स हैं जो फ्लोट कर रहे हैं साथ में, एंड उसके अलावा जो भी है, देखिए एक घर है ये डूब गया है, कुछ लोग हैं जो यहाँ पे बैठे हैं, हाइट पे जाकर बैठ गए हैं. तो मेन क्या है, जो भी हमारी एंटायर लाइवलीहुड है वो डिस्टर्ब हो जाएगी अगर वाटर बहुत ज़्यादा हैवीली रेन हो जाती है, फ्लड आ जाता है, तो हमारी जो डेली लाइवलीहुड है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है. सो इसके बारे में रीड करते हैं, चलिए. इट रेन्स थ्रू आउट द ईयर वाइल देयर आर प्लेसेज वेयर इट रेन्स ओनली फॉर फ्यू डेज, ठीक है. एंड अकर्स ड्यूरिंग द मानसून सीजन. हमारे यहाँ पे जो रेन आती है मानसून सीजन में, बहुत ज़्यादा इंडिया में रेन आती है, एंड इस पर हमारी जो एग्रीकल्चर, हमारी फार्मिंग वगैरह सब इसी पे ही डिपेंड करती है, ठीक है. ये मानसून क्या होता है, ये ज्योग्राफी के अंदर आएगा इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, ठीक है. पर्टिकुलरली अभी आप ये समझ लीजिए, एक पर्टिकुलर टाइमिंग होती है जब मानसून आता है, तो हमारे यहाँ पे पर्टिकुलर टाइप ऑफ विंड्स होती हैं जो हमारे यहाँ पे रेन लेकर आती हैं, हमारे मीन्स इंडिया में, ठीक है. सो दैट इज़, और जब रेन आती है तो उस टाइम पे सोइंग जो है, द सोइंग ऑफ मैनी क्रॉप्स डिपेंड ऑन द अराइवल ऑफ मानसून. बिकॉज सो करने, अगर हम सीड सो करते हैं फार्मिंग के अंदर, तो उसके लिए वाटरिंग की ज़रूरत है उसको. एंड इन इंडिया, पर्टिकुलरली नॉर्थ इंडिया या कई ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर जो नेचुरल वाटर की अवेलेबिलिटी है वो बहुत कम है. सो इन इंडिया हमारी जो एग्रीकल्चर है वो टोटली मानसून पर डिपेंड करती है, ठीक है. जब नेचुरल रेन आएगी तो उसकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ही जो फार्मर्स होते हैं वो सीड सो करते हैं, ताकि सीड सो करने के कुछ दिनों में जब रेन आती है तो वाटरिंग हो जाती है और उससे जो सीड्स हैं वो जर्मिनेट होते हैं, ठीक है. एक और बात मैं आप एक आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि जैसे ये जो फ्लड वाला, जो मैंने आपको बताया कि फ्लड से बहुत सारे लॉसेज होते हैं, और मानसून डेज में अगर आप न्यूज़ चैनल्स पर देखोगे तो इंडिया के ऐसे बहुत से पार्ट्स हैं जहाँ पे एवरी ईयर सुपर फ्लड जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है. वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ बिहार. इन बिहार देर इज़ अ रिवर दैट इज़ कॉल्ड सौरव ऑफ बिहार, एंड द अनदर रिवर गंगा ऑल्सो फुल्ली फ्लडेड ड्यूरिंग द मानसून सीजन. यस, रिवर गंगा, जिस गंगा का जो पार्ट बिहार में से पास होता है वहाँ पर भी फ्लड आ जाता है, बिकॉज गंगा रिवर में वाटर का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा होता है, एंड उसकी वजह से गंगा जो है पटना वगैरह जिन रीजन से पास होती है वहाँ पर फ्लड की प्रॉब्लम एवरी ईयर देखने को मिलती है, ठीक है. सो दैट इज, सो फ्लड कॉजेज एक्सटेंसिव डैमेज टू क्रॉप्स, ठीक है, डोमेस्टिक एनिमल प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन लाइफ, सबको प्रॉब्लम होती है, ठीक है. सो दिस इज़ अबाउट क्या 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 लॉसेज होते हैं, इसको आप रीड कर लीजिएगा. नेक्स्ट है कि अगर वाटर रेन अगर हो ही नहीं, ठीक है, व्हाट हैपन्स इफ इट डज नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड, ठीक है. द सॉइल कंटिन्यूस टू लॉस वाटर बाय इवेपोरेशन एंड ट्रांसपीरेशन. हमने इवेपोरेशन और ट्रांसपीरेशन के बारे में स्टडी किया है कि जैसे ही सनलाइट जो है वो सॉइल के ऊपर फॉल करती रहेगी तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर इवेपोरेशन होता रहेगा, वहाँ पर ट्रांसपीरेशन होता रहेगा, ठीक है. ये चीज़ें तो कंटिन्यू रहेंगी, उससे क्या होगा, उस पर्टिकुलर लैंडमास से जितना भी वाटर कंटेंट है वो वाइप हो जाएगा, वो सारा का सारा एयर में चला जाएगा. बट अगर वहाँ पर रेन नहीं हो रही है तो वाटर साइकिल कंप्लीट नहीं होगा और वो जो लैंड है वो वाटर स्कार्स हो जाएगी, वहाँ पर पानी की बहुत कमी हो जाएगी और वहाँ पे जो ग्राउंड वाटर है वो बहुत ही नीचे चला जाएगा, बहुत ही लो लेवल पर चला जाएगा, ठीक है. इसका एग्जांपल आप राजस्थान से देख सकते हैं. राजस्थान के कुछ एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे पानी जो है, ग्राउंड वाटर जो है वो बहुत ही ज़्यादा डेप्थ पर है,
वी कैन एज्यूम 1000 feet तक वहाँ पर डिग करना पड़ता है वेल को. आई लिसन अबाउट दैट. कुछ ऐसे भी शायद एरियाज हैं, ठीक है. और जो वाटर सैक्रेस जो एरियाज हैं राजस्थान के, वी कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ जैसलमेर एंड जोधपुर एंड आई थिंक इन सम वे इन बीकानेर ऑल्सो, ठीक है. सो ये सब एग्जाम्पल हैं जहाँ पे वाटर लेवल नीचे चला गया है. तो ये इस तरीके का जो पार्ट होता है जहाँ पर रेन जो है बहुत लॉन्ग टाइम तक अगर रेन नहीं आती है, बारिश नहीं होती है, तो वहाँ पर जो कंडीशन होती है उसको हम कहते हैं ड्रॉट, ठीक है. हिंदी में इसको कह सकते हैं सूखा पड़ना, ठीक है. इन ड्रॉट कंडीशन इट्स डिफ़िकल्ट टू गेट फूड एंड फॉडर. देखिए, अगर रेन नहीं है, वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है और नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं रिवर वगैरह, जैसे आपको राजस्थान का ही एग्जांपल बताता हूँ कि वहाँ पे हमारे पास जो नेचुरल वाटर बॉडीज हैं बहुत कम है, ठीक है. और रेन अगर नहीं हो बहुत लंबे टाइम तक, तो हमें कोई भी क्रॉप है या कोई फॉडर, फॉडर बोलते हैं चारा जो एनिमल्स के लिए होता है ना, कैटल्स के लिए. तो अगर फॉडर नहीं होगा, अगर एग्रीकल्चर फार्मिंग नहीं होगी, क्रॉप्स नहीं होंगी, तो ह्यूमन बींग्स के लिए फूड भी नहीं होगा एंड एनिमल्स के लिए फॉडर भी नहीं होगा, ठीक है. तो दोनों को ही लॉस है. अगर खाना ही नहीं मिलेगा तो बाकी सब चीज़ों का हम क्या करेंगे, ठीक है. सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रेन, कि जो रेन है अगर वो लॉन्ग टाइम तक रेन नहीं हो तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है. नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू लर्न अबाउट, हाउ कैन वी कंजर्व वाटर, हम पानी को कैसे कैसे बचा सकते हैं. सबसे पहले तो हमें ये, जैसे मैंने आपको बताया कि पानी को बचाना क्यों ज़रूरी है, ठीक है. बिकॉज जो अब हमारी पॉपुलेशन है वो डे बाय डे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, हमें वाटर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है. एंड बिकॉज जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, ड्यू टू दैट हमारा जो डेली वाटर कंजप्शन है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है. एंड जो फ्रेश वाटर सोर्स है अवेलेबल वो बहुत लिमिटेड है. वाटर तो बहुत है अर्थ पे, लेकिन जो फ्रेश वाटर सोर्स क्या है, यूजेबल वाटर, वो बहुत ही कम है. सो इसकी ड्यू टू फॉर दैट ओनली हमें वाटर कंजर्वेशन मींस पानी को बचाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है. अगर नहीं बचाएंगे तो क्या होगा. देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है ना कि ऐसे लाइन लग जाएगी पानी के लिए, ठीक है. हम सब यहीं खड़े मिलेंगे. तो इसको कंजर्व करने के बहुत ही दो अच्छे मेथड यहाँ पे डिस्कस हैं. रेन वाटर हार्वेस्टिंग है जो, वो दो टाइप से है, ठीक है. तो पानी को बचाने का जो प्रोसेस है दैट इज़ कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग. क्या है देखिए इसमें, वन वे इन इंक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वन वे ऑफ इंक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज टू कलेक्ट रेन वाटर एंड स्टोर इट फॉर लेटर यूज. हमें जो रेन वाटर होता है जो नॉर्मली यूं ही फ्लो कर जाता है विदाउट एनी यूजफुल, जो उसका एप्लीकेशन हमको यूज़ किए बिना ही वो फ्लो करके रिवर्स में चला जाता है, रिवर्स के थ्रू ओशंस में चला जाता है, हमें उसको स्टोर करना चाहिए और उसको बाद में यूज़ करना चाहिए. अब रेन वाटर को स्टोर करके हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, उसको हम फार्मिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसको हम रेन वाटर को हम गार्डनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं. दीज आर द थिंग्स इन विच वी कैन यूज़ द रेन वाटर इंस्टेड ऑफ यूजिंग फ्रेश वाटर, ठीक है. अभी हम क्या करते हैं, अगर हमें गार्डन में हम फ्रेश वाटर जो है पाइपलाइन से जो हमारे ड्रिंकिंग वाटर आता है हम उसको यूज़ करते हैं, तो अगर हम वहाँ पर रेन वाटर यूज़ करेंगे तो क्या होगा, जो हमारा फ्रेश वाटर है उसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है. कलेक्टिंग रेन वाटर इन दिस वे इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग. कैसे होती है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, देखिए आपके यहाँ पे एक पिक दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा पिक है. यहाँ पे एक होम है, एक घर दिया हुआ है. इस घर में क्या हो रहा है, जैसे ये रेन हो रही है, रेन वाटर को कलेक्ट करके हर घर में कुछ ड्रेनेज पाइप्स होते हैं ना, जो हमारे जो रूफ टॉप होता है वहाँ का जो रेन वाटर है उसको लेकर आते हैं. नॉर्मली क्या होता है, ये जो एग्जिट पाइप होता है ये हमारे जो ड्रेनेज होते हैं जो घरों के बाहर जो नालियाँ जिनको हम बोलते हैं या सीवरेज होते हैं उनमें इनको ओपन कर दिया जाता है, ठीक है, छोड़ दिया जाता है. तो रेन वाटर कहाँ चला गया, रेन वाटर तो साफ था उसको हम गार्डनिंग के लिए यूज़ कर सकते थे, लेकिन यहाँ से वो वाटर चला गया हमारे सीवरेजेस में. ऐसा ना करके जो रूफटॉप से जो पाइप्स आते हैं उनको अगर हम किसी एक इस तरीके से एक छोटा सा टैंक बना के उसमें स्टोर कर लें एंड इस टैंक से वाटर को एक लंबी पाइप नीचे जो है लैंड में डाल के एंड इसको दोबारा ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सकते हैं, ठीक है. सो दिस इज़ कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग. एक और चीज़ हो सकती है कि हम अगर इसको एक बड़े से टैंक में स्टोर कर लें और यहाँ से फिर हमारे जो इलेक्ट्रिक पंप्स होते हैं, मोटर जिसको हम बोलते हैं पानी की, वो लगा करके हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है.
तो यहाँ पे देखिए हार्वेस्टिंग के दो चीज़ें हैं, वन इज़ रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये मैंने आपको समझा ही दिया जो अभी है कि हम एक इन दिस सिस्टम रेन वाटर इज़ कलेक्टेड फ्रॉम द रूफ टॉप टू द स्टोरेज टैंक थ्रू द पाइप्स, द वाटर में कंटेन सॉइल फ्रॉम द रूफ। अब देखिए सॉइल वगैरह जो होती है उसके फिल्टर करने के काफ़ी चीज़ें होती हैं कि अगर इसको हम वाटर को अगर हम सेटल कुछ दिन ऐसे ही छोड़ देंगे विदाउट डिस्टर्ब, तो यहाँ पर जो वाटर है वो उसमें जो सॉइल वगैरह होगी वो सेटल डाउन हो जाएगी नीचे, ठीक है। एंड द अनदर ऑप्शन इज़ टू अलाउ वाटर टू गो इन टू ग्राउंड डायरेक्टली फ्रॉम रोड साइड ड्रेन दैट कलेक्ट रेन वाटर। अब रोड साइड जो ड्रेन होते हैं उनमें एक यहाँ पर थोड़ा सा जो समझने वाली बात है कि अगर वो कॉन्क्रीट के बने होंगे तो वहाँ पर जो रेन वाटर है वो ग्राउंड में नहीं जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। सो इसलिए ये कॉन्क्रीट के नहीं बने, इनकी वॉल्स जरूर कॉन्क्रीट की बन सकती हैं लेकिन जो इनका बॉटम है जो बेस है वो कॉन्क्रीट का नहीं होना चाहिए, वो एज़ यूजुअल जो कच्चा जिसको हम कहते हैं मिट्टी जो होती है वैसे छोड़ना पड़ता है, ठीक है। सो दीज आर द टू मेथड्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी। ओके बेटा, बाय बाय।